अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। मोटापा इंसान को मजदूरों जैसा बना देता है। वज़न की ज़्यादती के बाइस इंसान ना तो ठीक तरह से चल फिर सकता है और ना ही भाग दौड़ वाले कामों में हिस्सा ले सकता है। अजाफी वज़न वाले माशरे में मजाक का बाइस बनते हैं। मोटे इंसान को लोग अजीबोगरीब नामों से पुकारते हैं, उनके बहुत ही अजीब नाम रख देते हैं। मोटापा इंसान की सेहत, हुसन और इज्जत का दुश्मन है। बढ़े हुए वज़न की वजह से अक्सर लड़कियों की शादी का मसला बन जाता है, उनकी शादी में रुकावट आती है। अगर आप अपना मोटापा ख़त्म करना चाहते हैं और ये काम करने के लिए आप कई जतन कर चुके हैं फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आज का बताया गया वजीफ़ा ज़रूर पढ़ कर देखें। मेरे आज के इस वजीफ़े की बदौलत आपका मोटापा इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले कि मैं आपको आज के वजीफे के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर कोई इंसान बहुत मोटा हो और काफ़ी कोशिशों के बावजूद वज़न कम नहीं हो रहा हो तो इसको चाहिए कि ये वजीफ़ा ज़रूर करें। रोज़ाना दिन भर में कसरत से अल्लाह पाक का ये नाम पढ़ें, जब भी टाइम मिले तभी पढ़ लिया करें और फिर ये विर्द करके पानी के एक गिलास पर पानी दम और फिर ये विर्द करके पानी के एक गिलास पर दम करके वो पानी पी लें और साथ ही खाना पीना कम खाएं और तली हुई और मीठी चीज़ों से ख़ास तौर पर परहेज़ करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी वज़न कम हो जाएगा, जिस्म की अजाफी चर्बी से भी जान छूट जाएगी और वो इसम मुबारक है या हफीज़ू। याद रखें, आपने या हफीज़ू का विर्द करना है और उसके बाद पानी के गिलास पर दम करके वो पानी पी लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के इस नाम से आपका वज़न आसानी से कम होगा। आपने नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है वरना वजीफ़ा असर नहीं करेगा और हसबे तो फिक सदका भी करते रहें। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कारामद वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी का भला हो सके। अल्लाह पाक आपको इसका अजर ज़रूर देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।